हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आकाश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूबीआई का यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बारे में। जो दिल्ली पुलिस का ड्राइवर का जो ट्रेड टेस्ट है, उसकी अभी भी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है जो ऑफिशियल होती है। काफ़ी लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने भी कहा था कि 10 अक्टूबर से कराया जाएगा आपका। और दोस्तों, उसमें ये भी सुनने के लिए आया है कि उससे पहले भी कराया जा सकता है, जैसे कि 8 या 9 तारीख को, ठीक है। पर जो ज़्यादा चांस लग रहे हैं, जो ज़्यादा परसेंटेज है दोस्तों, वो आपकी 10 अक्टूबर यहाँ पर दिख रही है, ज़्यादा बनती दिख रही है। क्योंकि अब ये चक्कर में है कि हाँ, जल्द से जल्द ड्राइवर वालों का कराया जाए ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो ड्राइवर के बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि एक आप बाहर सीखने के लिए जाते हैं ड्राइविंग, घर में किसी के लिए नहीं है। अगर टाइपिंग वाला बात है तो कोई टाइपिंग सीखता है तो अपने घर पर भी सीख सकता है और बाहर बाजार में सीख सकता है। पर इस ड्राइविंग के लिए दोस्तों, हम खुद एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम राजस्थान सीखने के लिए गए हैं, हरियाणा में सीखने के लिए गए हैं। तो मतलब घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो मतलब कि एक मेहनत इनकी ज़्यादा हुई। तो जल्द से जल्द ये कोशिश में है दिल्ली पुलिस की, हाँ, ड्राइवर का सबसे पहले कराया जाए। और आपके AWO TPO वाले जो यहाँ पर चल रहे हैं, तो अब उनके बाद शायद आपका यहाँ पर ड्राइवर के आ सकते हैं। और कुछ चांस दोस्तों ऐसे भी लग रहे हैं कि लास्ट के चांस मतलब कि अक्टूबर के लास्ट में दोस्तों चांस बहुत कम है, ठीक है। पर जो चांस हैं वो 10 अक्टूबर के हैं। मैं दोस्तों बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को पहले पूरा देखना, ठीक है, वीडियो को पहले पूरा देखना, जब बताना कि हाँ कोई आपका कंफ्यूज रहा है या नहीं रहा है। भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना कोई हमसे अगर गलती हुई हो तो। और मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी हमारे साथ यूट्यूब वाली फैमिली है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मतलब मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचाया है। अभी तक अच्छा चल रहा है। और दोस्तों, आप मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अपना टाइम मेरे को दे रहे हो, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह की तैयारी करना चाहता है, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि इस पर क्यों ना एक अच्छे टीचर बुलाए जाएं, जैसे कि हमारे कोचिंग वाले सर हैं। मैं सोच रहा हूँ उनसे कहा जाए कि हाँ सर, हमारे इस चैनल पर पढ़ाओ। और इस चैनल पर एक डिजिटल बोर्ड ला करके, जैसे कि और चैनल वाले पढ़ाते हैं, ऐसे डिजिटल बोर्ड की सुविधा करा के आपको अच्छे से कोर्स, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री मतलब बैच चलेंगे, ऐसा नहीं कि पैसे चलेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पर क्यों ना एक चैनल को पढ़ाई के उस पर ले आ जाए। अभी कंफ्यूज में दोस्तों मैं खुद हूँ कि इस चैनल को मतलब किस उस पर रखा जाए, किस लेवल तक मतलब पहुँचा जाए कि हाँ, हमारा चैनल एक इसके लिए है ज़रूरी। तो मेरे माइंड में दोस्तों यही आया है कि हाँ, इस चैनल को हम पढ़ाई के ऊपर ले कर चलें। क्योंकि अब बहुत बच्चे हैं जिनको अभी भी पढ़ने में कुछ पार्ट्स मतलब सब्जेक्ट हैं उनको दिक्कत होती है। तो हम ऐसे नहीं चाहते कोई बच्चा किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर झेल पाए, ठीक है। और आपसे मैं ये पूछूंगा दोस्तों कि चैनल को आप बता सकते हैं कि या तो किस उस पर रखा जाए, या तो व्लॉगिंग हो इस तरह का, या फिर आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका कॉमेडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो मतलब कि आप बता सकते हैं इस कमेंट में करके। या आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना, जैसे कोई सी भी जॉब निकली हो या कैसा भी कुछ निकला हो। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बताता सारी बातों को क्योंकि अभी जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरा अभी ऐसे ही रखा है, लगा हुआ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट इसको हम बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में बदलें, व्हाइट बोर्ड को। तो बस मेरी ख्वाहिश यही है कि अगर बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम बात कर रहे हैं फिलहाल दिल्ली पुलिस के बारे में, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों का बच्चों का अब जल्द से जल्द यहाँ पर आपका होगा। आपके चांस पूरे पूरे हैं अब 10 अक्टूबर के, मुझे लग रहे हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, बस यही है कि चांस तो आपके 10 अक्टूबर के ज़्यादा हैं। और आप किस सेंटर में जाकर सीख रहे हैं गाड़ी को, और कैसे ऑप्टिकल वहाँ पर सीख रहे हैं। दोस्तों, कुछ बच्चों ने ऑप्टिकल भी अभी बता दिए हैं कि हाँ, एल ऑप्टिकल मिलेगा, या टी ऑप्टिकल मिलेगा, या जेड ऑप्टिकल मिलेगा। मतलब कुछ तो ऑप्टिकल भी बता रहे हैं, कुछ यूट्यूबर ऑप्टिकल भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑप्टिकल पर और गाड़ी पर इतना ध्यान मत दो। आपको कोई से भी सेंटर में आप जा रहे हो तो आप वहाँ पर सभी ऑप्टिकल क्लियर करते हो, जैसे कि आप एच हुआ, आर्ट हुआ, जेड हुआ, टी हुआ,
एल पार्किंग हुई, जिंजर हुआ, दोस्तों आप सभी ऑप्टिका को वहाँ पर क्लियर करते हो और सभी आपको वहाँ पर देखने के लिए व्हीकल वहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि आपने कोई भी आप ड्राइविंग सेंटर पर गए हो तो आपको वहाँ पर सबसे पहले स्कॉर्पियो, बुलेरो, जिप्सी में से एक गाड़ी आपको वहाँ पर मिलेगी और टाटा चार्ट साथ मिलेगी दोस्तों, और आपको एस मॉडल मिलता है और आपको एक वो मिलता है बस, ठीक है। तो आपको चारों व्हीकल मिलेंगे वहाँ पर, कोई से सेंटर में चले जाओ। तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस में आपसे कोई सा भी वहाँ पर ले सकते हैं, कोई सा भी आपसे व्हीकल वहाँ पर चलवा सकते हैं, ठीक है। तो पर आपकी प्रैक्टिस तो दोस्तों हर एक व्हीकल पर आपकी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसे डरने वाली नहीं बात है कि यहाँ ऑप्टिकल कौन से मिल रही है, कौन सी गाड़ी मिल रही है, कौन सी वहाँ पर कैसा मैनेजमेंट मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही वहाँ पर आपके जो ट्रेड टेस्ट हैं होंगे और जोन से भी मतलब जिस भी डेट से होंगे, शायद मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर हो जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया भर्ती को। मेरा भी मानना यही है कि अब जल्द से जल्द कराया जाए, मैं ये नहीं चाहता कि हाँ आपकी भर्ती बिल्कुल भी लेट हो, ठीक है। तो जैसे ही आपके यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट की डेट आ जाएगी, मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा क्लियर कि हाँ भाई उस दिन से आपके ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हैं। और जोन से भी जैसे आपके वजीराबाद में होंगे, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जैसे वजीराबाद में जाऊँ और ग्राउंड के बाहर खड़ा रहूँ और बच्चों से पूछूँ कि आपको कौन से वहाँ पर ऑप्टिकल मिले हैं, कौन से आपको वहाँ पर व्हीकल मिले हैं, और क्या उन ऑप्टिकल का मैनेजमेंट है, कितने फुट के हैं, क्या मतलब उनकी नाप तोल है, और क्या मेंटेनेंस की क्लास में दोस्तों वहाँ पर पूछा गया है। अगर आप इस बात के लिए राजी हैं कि हाँ आकाश भाई आप वहाँ जाकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको वहाँ पर हो जाएगा सभी बच्चों का, ऐसा नहीं है। जो पहले दिन के बच्चे हैं वे मुझे बताएंगे, मैं उनको आपको वीडियो के सामने लेकर आऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरीके का आपको वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। तो मैं कोशिश यही करूँगा दोस्तों घर से निकलने की कि हाँ आपको वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बताऊँ कि हाँ क्या ऑप्टिकल मिल रहे हैं, क्या आपकी वहाँ पर गाड़ी मिल रही है, और क्या उनका मैनेजमेंट मिल रहा है। तो अगर आपका ऐसा मन है कि हाँ मैं वहाँ पर जाऊँ, आपको दिखाऊँ क्या ऑप्टिकल, क्या गाड़ी और क्या मेंटेनेंस के बारे में पूछें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ आकर भाई आप ये काम ज़रूर करना। जितने दिन में चलेंगे कोशिश यही रहेगी कि हर दिन वहाँ पर जाया जाए, हर दिन वहाँ पर हाजिर हो जाए, कोशिश मेरी यही रहेगी। और दोस्तों मैं आपसे ये बात और कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर अभी भी गाड़ी सीखने के लिए नहीं निकला है, तो वो प्लीज़ अपने ड्राइविंग सेंटर पर चला जाए, कोई से भी सेंटर पर जा सकता है। अगर मेरे मानना है तो जहाँ पर मैं जाऊँगा, शिवम ड्राइविंग एंड डिफेंस कोचिंग सेंटर जो बावल हरियाणा में पड़ता है, जो वहाँ पर एक जितने भी वहाँ के ट्रेनर हैं दोस्तों वो सभी CISF और SSB के पास हैं, ठीक है। जितने भी वहाँ पर ट्रेनर हैं वो उन्होंने दो दो तीन तीन जो आपके ड्राइविंग टेस्ट उन्होंने सबने पास कर रखा है। और मेंटेनेंस की क्लास की बात करते हैं दोस्तों वहाँ पर, तो आपके यहाँ पर रोज़ मेंटेनेंस की क्लास लगती है, रोज़ वहाँ पर आपकी मेंटेनेंस क्लास लगती है। और मेंटेनेंस की क्लास आपकी इस लेवल से लगेगी कि आपको एक भी पार्ट्स में कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं आने देंगे। जो हमारे सर हैं वो हमारे बड़े भाई हैं नौशाद अली, जो जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी उनकी जानकारी है गाड़ी के पार्ट्स के बारे में, गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में, आप वहाँ पर एक बार जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर जा करके हॉस्टल की सुविधा देखिए दोस्तों, हॉस्टल वहाँ पर कितना अच्छा है और रहने की सुविधा आपको वहाँ पर, ऐसा मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि आपको हर सेंटर में घूम लो, ठीक है। तो उस सेंटर के जैसा अगर आपको कहीं पर भी खाना मिल जाए ना भाई, तो मुझे बता देना कि हाँ अगर भाई खाना वहाँ पर बेकार मिला है कि वहाँ पर अच्छा मिला है, ठीक है। तो आप एक बार हमारे सेंटर जो बावल में पड़ता है, बावल हरियाणा में, वहाँ पर जाओ, एक बार देख कर आओ, विजिट करो, उसको देखो। अगर कोई थोड़ी बहुत छूट होगी तो मैं आपकी छूट भी कराने के लिए राजी हूँ, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आने दूंगा। जैसा भी आपको बैच लेना है, तो दोस्तों कोशिश करना कि 15 या महीना दिन पता दिन किया महीना का बैच लेना, एक महीने का, ठीक है। तो उससे कम तो नहीं मिलेगा कि हाँ अगर आप 5 या 10 दिन के लिए लोगे, तो कोशिश यही करना कि 15 दिन का 10 दिन का आप, मतलब सॉरी 15 दिन या एक महीना का आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि वहाँ पर सभी आपको ऑप्टिका मिलेंगे, सभी आपको व्हीकल मिलेंगे, ठीक है। आपका जो अब ड्राइविंग टेस्ट है वो आपका जल्द से जल्द यहाँ पर कराने की उम्मीद है। मैं भी ये कहूँगा कि आपका जल्द से जल्द यहाँ पर कराया जाए और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे वहाँ पर जल्द से कराया जाए। ऑप्टिकल बहुत हार्ड बनाए हैं वहाँ पर, जिससे आपको कोई भी आगे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मतलब कि इसको सपोर्ट करो दोस्तों चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस चैनल को लेकर किस लेवल पर जाना है,
मतलब कि कौन से, जैसे एक होता है कि हमारा एक पढ़ाई से रिलेटेड है, या हम किससे इसे बनाकर चले। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे क्लास चलाई जाए अच्छे से, एक जरूरी नहीं है कि मैं ही, कुछ बच्चों को कमेंट्स भी आए हैं कि हाँ इसको कुछ नहीं आता। देखो दोस्तों, आप जैसा बोल सकते हैं मान सकते हैं, आप पर कुछ नहीं आता, आप पर तो आता है। कमेंट्स करते रहें, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, बस आप कमेंट्स करते रहें, हम उन कमेंट्स को भी देख करके पढ़ाते हैं, ठीक है। कमेंट्स तो आ रहे हैं कम से कम, एक हमारा व्यूज़ तो बढ़ रहा है, हमें कुछ मिल तो रहा है उस व्यूज़ का। दोस्तों बस यही है कि हमें नेगेटिव सोच में नहीं रहना है, हर जगह पर नेगेटिव लोग मिलते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कमेंट्स को ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर ज़्यादा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और जिस किसी भाई का भी सपना दिल्ली पुलिस की वर्दी पाने का है, तो भाई वो प्लीज़ अपने घर से, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ दोस्तों, वो आप अपने घर से बाहर निकल जाएं। यही आपका 20-22 दिन का समय है एक दिल्ली पुलिस की वर्दी पाने का सपने का। काफ़ी लोग दोस्तों ऐसे हैं कि एक इस वर्दी के लिए ही काफ़ी टाइम पहले से ही अपने घर से बाहर हैं, जब से टेट की डेट आने शुरू हुई है। मैं भी कुछ, जैसे हम गए थे जनवरी में, गए थे हम ड्राइविंग सीखने के लिए, जनवरी से लेकर अब तक भी लोगों ने ड्राइविंग ही सीख रहे हैं। तो यार उनका ना होगा तो फिर किसका होगा, ये लगाओ। जब वे जनवरी से लेकर अब तक 8-9 महीना उनको हो गए हैं ड्राइविंग सीखते सीखते, भाई वे तो बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आप कहीं पर भी जाकर एक बार खाना या हॉस्टल का रहना आसान का देख सकते हैं, और एक बार हमारे सेंटर पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो तैयारी उसको बेहतर रखें, बस यही कहूँगा। इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, कभी आप ये बोलो कि अगर भाई तो रोज़ ऐसे ही वीडियो बनाता है, भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जागरूक कर रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा घर पर है तो निकल जाए। ऐसा मत बोलना कि आकाश भाई घर पर है, आकाश भाई घर पर है तो कोई नहीं, क्योंकि उसमें पैर में दिक्कत है, इस वजह से घर पर है, और कुछ जो फायर मैन का पेपर है उस वजह से घर पर नहीं है, ठीक है। 26 तारीख के बाद मैं खुद निकल जाऊँगा यहाँ से। तो दोस्तों चलते हैं, बस बात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। अब जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्ते दोस्तों।